अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आफ्ताब इकबाल के साथ एक बार फिर धोखा हो गया। पाकिस्तान के मकबूल तरीन कॉमेडी शो खबर हार को मशहूर कॉमेडियन नासिर चिन्योटी एक बार फिर छोड़ गए। इन्होंने शो क्यों छोड़ा, क्या इल्ज़ाम लगाया और इनको असद कैफी का मुंह तोड़ जवाब भी सुनाएंगे। नाज़रीन, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय ज़रूर दीजिए। नाज़रीन, सिर्फ नासिर चिन्योटी ने शो नहीं छोड़ा बल्कि वहीद खान उर्फ लाला और मुबीन गबूल भी शो छोड़ने के लिए तैयार है। इन्होंने क्या डिमांड कर दी है, ये सब और इसके साथ साथ आफ्ताब इकबाल ने काफ़ी लोगों को खुद निकाला है और इनके साबिका साथियों से कौन वापस आ रहा है। हमारी मुराद जफरी खान, हनी अलबेला, सलीम अलबेला और आगा माजिद से है। इसके साथ साथ आफ्ताब इकबाल ने भी ग्रेट गेम खेली है और मशहूर कॉमेडियन सखावत नास को शो में शामिल कर लिया है। इनको कितने पैसों में रखा है, ये सब और बहुत कुछ इस वीडियो में शामिल है। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा वॉच करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, आफ्ताब इकबाल साहब एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हजारों दिल खुशी से झूम उठे, और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि वो वाहिद शख्स है जो पाकिस्तानियों के चेहरे पर मुस्कुराहट का सबब बनते हैं। 2006 से ARY न्यूज़ से शुरू होने वाला एक छोटा सा कॉमेडी शो जो कि फौरन बंद हो गया, मगर किसने सोचा था कि ये एक दिन इतना मकबूल होगा कि इसे पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर के लोग देखेंगे। आफ्ताब इकबाल ने सफ़र में बेशुमार मसाइब का सामना करना पड़ा मगर वो लगे रहे, इन्होंने कभी हार नहीं मानी। लोग आते रहे और छोड़ के जाते भी रहे मगर आफ्ताब एक चट्टान की मान खड़े रहे, और इसका नतीजा ये हुआ कि आज पाकिस्तान के किसी भी चैनल को उठा लो, वहाँ पर जो भी कॉमेडी शो चलता है इसमें आफ्ताब साहब के दो या तीन बंदे ज़रूर बैठे होंगे। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब नाज़रीन, आफ्ताब इकबाल को इनके एक और परवाने साथी नासिर चिन्योटी साहब छोड़कर चले गए, और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि आफ्ताब इकबाल साहब का रवैया बहुत अजीब हो गया था। वो बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते थे और हमें बहुत कुछ सुना जाते थे। मैं खुद जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ अरसे साइड पर हो जाऊँ ताकि आफ्ताब साहब का गुस्सा ठंडा हो जाए और मैं भी अपने हिंदुस्तानी अदाकारों के साथ फिल्म की शूटिंग का काम मुकम्मल कर लूँ। मैं छोड़कर नहीं गया, मैंने इसे समझे छुट्टी ली है। जी नाज़रीन, ये कहना था नासिर चिन्योटी का, मगर दोस्तों इन हालात का फ़ायदा दो अदाकार उठा रहे हैं, एक मुबीन कबूल, दूसरे वहीद खान। इन दोनों ने आफ्ताब इकबाल के साथ हालात देखते हुए इन्हें तंग करना शुरू कर दिया है, और इनका कहना है कि हमारी तनख्वाहों में 50% इजाफा करें वरना हम छोड़ कर जाते हैं, क्योंकि इस तनख्वाह से डबल हमें ऑफर्स मिल रही हैं। मगर नाज़रीन, बोस बोस होता है। नासिर चिन्योटी के जाने के फौरन बाद आफ्ताब इकबाल और अपनी शाहकार खिलाड़ी सखावत नास को शामिल कर लिया, और इन्हें नासिर चिन्योटी जितना ही मराआत मिले हैं। नाज़रीन, अब आते हैं हम असद कैफी के जवाब पर जो इन्होंने नासिर चिन्योटी को दिया और ट्विटर पर पोस्ट भी किया। इन्होंने कहा कि आप लोगों को मैं कुछ नहीं कहता सिवाय इसके कि आप लोग लौटे हैं। नाज़रीन, अगली वीडियोस में आपको बताएंगे कि क्या वाकई उकाशा गुल और वहीद खान की शादी हो रही है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।